थर्ड का जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को पेज नंबर 46 में दिख जाएगा। देखो, व्यायामशाला फेमस रेसलर जुम्मन दादा एंड मनिकराव वडोदरा, फिर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, शिव शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल बालेवाड़ी पुणे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें करेक्ट लिखा हुआ है, तीनों चीज़ें यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। सेकंड का कोई सेकंड टेक्स्ट बुक में दिया भी नहीं और वो सोलापुर में है भी नहीं, इसके लिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रॉन्ग पैर होगा, ठीक है। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट। इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स लिखने थे, लूडो भाटुकली ये तो भी है, कार्ड गेम्स है, चेस है, कैरम है, डाइज है, कोई चार इंडोर गेम्स लिखने थे। फिर नेक्स्ट है राइट नोट्स, टॉयज एंड फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स एंड मूवीज, ये दोनों भी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजंस। करेंटली द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट इकोनॉमी हैज बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री, ये दोनों भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट पढ़ना था और क्वेश्चन के आंसर्स देने, ठीक है। तो पहला बोला हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायोनियर क्रिकेट कमेंट्री, तो आंसर है बालजे पंडित, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ग्रेट नॉलेज डज बालजे पंडित हैज, तो बालजे पंडित के पास कौन कौन से टाइप के ग्रेट नॉलेज थे, तो ही इज़ वेल स्टडी कमेंट्रीज वे फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्लेग्राउंड करियर, हिस्ट्री ऑफ प्लेयर्स, एंसिडोट्स अबाउट द गेम, ठीक है, ये लिख सकते हो। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पंडित कमेंट्री, पंडित कमेंट उनके कमेंट्री में क्या कौन कौन से फीचर्स थे, ठीक है। तो फीचर्स क्या थे ये पूरा लिखो। फिर नेक्स्ट लिखो एंड एस्टैब्लिश रिकॉर्ड ऑफ द गेम्स, हिज कमेंट्रीज यूज टू बी एंटरटेनिंग बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट डिटेल्ड आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तीनों भी एक्सरसाइज में है तो मैं ये नहीं सॉल्व करवाऊंगी। चैप्टर 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री, इसका जो फर्स्ट आंसर है टूरिस्ट टिकट, भिलार इज नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स, इन 16th सेंचुरी डैश वॉज अ फेमस कार्टियोग्राफर जेरेडस मार्कटर, ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड री राइट, तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर का फर्स्ट क्वेश्चन, माथेरन हिल स्टेशन है, तड़ोबा रॉक कट केव्स नहीं, तड़ोबा आएगा एक नेशनल पार्क है, कोल्हापुर पिलग्रिम सेंटर, अजंता वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड रॉन्ग है। हाइकिंग टूर्स टू फोर्ट्स, फोर्ट्स हाइकिंग करना एग्रो टूरिज्म नहीं होता, कोई भी एग्रीकल्चर काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 है रॉन्ग पेयर, ठीक है। टाइप्स ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म के बहुत सारे टाइप्स है, हेल्थ, स्पोर्ट्स, एग्रो टूरिज्म, बहुत सारे टूरिज्म के टाइप है, जोग्राफिक, हिस्टोरिकल, लोकल, इंटरनेशनल, कोई भी चार लिखना है। हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के हिल स्टेशन लिखने, महाबलेश्वर, लुनावला, खंडाला, पंचगनी, माथेरन, चिकलदर, ठीक है, कोई भी चार लिखना है। राइट नोट्स ऑन ट्रैवलिंग ऑफ ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग मार्को पोलो एग्रो टूरिज्म, ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, बस बचा है स्पोर्ट्स टूरिज्म, तो स्पोर्ट्स टूरिज्म दिया हुआ है पेज नंबर 54 में। देखो पेज नंबर 54 में जो पैराग्राफ है स्पोर्ट्स टूरिज्म का, ये उसका आंसर होगा। स्पोर्ट्स टूरिज्म वॉज डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी से लेके, अटेंड सच इवेंट्स कम्स अंडर स्पोर्ट्स टूरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन, द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ हैज इंक्रीज कंसिडरेबली, ये हो चुका है, ये दिया हुआ है उसी में। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट, इसका आंसर देखो पेज नंबर 55 में दिया हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स, इट इज एसेंशियल दैट फ्यू थिंग्स शुड बी अवॉइडेड एट एनी इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल वैंडलाइजिंग और डिफेसिंग द हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इन ऑर्डर टू अवॉइड इट एवरीबडी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटीज लाइक राइटिंग ऑन द वॉल्स और कार्विंग ऑन द ट्रीज, पेंट एंशियंट मॉन्यूमेंट्स इन गारिश कलर्स एक्सेट्रा, लैक ऑफ गुड एमिनिटीज एंड प्रेजेंस ऑफ हेरिटेज साइट्स कॉसेस फिटनेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, इसमें से कोई 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं, देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स, ठीक है, ये उसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पे भिलार के बारे में दिया हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट टू नेचुरल फीचर्स ऑफ भिलार, भिलार के कोई 2 नेचुरल फीचर्स लिखो, तो पिछले पेज में दिया हुआ था देखो नेचुरल फीचर्स कि भिलार क्या है, भिलार फेमस है फॉर नेचुरल ब्यूटी एंड स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी, तो ये तो नेचुरल ब्यूटी हो गया। नेक्स्ट है विच इज़ द फेमस हिल स्टेशन नियर भिलार, तो महाबलेश्वर आंसर है। हाउ भिलार विलेजेस एडेड टू द कल्चर रीडिंग कल्चर ऑफ महाराष्ट्र, तो कल्चर मूवमेंट फॉर रीडर्स टूरिस्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मराठी लिटरेचर एनरिच बाय द वर्क्स of new and old authors and saints, it include varieties or types of texts like biographies, autobiographies, fiction, poetry, literature by women, literature on sports, literature for kids, ठीक है। इस तरह से in this way भिलार विलेज adds to the reading culture of महाराष्ट्र। नेक्स्ट elaborate the answer, what should we do to increase tourism, इसका आंसर नहीं है, बाकी तीनों का आंसर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है।
डिस्क्राइब एनी थ्री टाइप्स ऑफ टूरिज्म, इन व्हाट वे द टूरिज्म बिकम्स अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ये दोनों के आंसर एक्सरसाइज में है, बस ये दोनों फर्स्ट और फोर्थ का आंसर मैं बता दूंगी। देखो ये जो आंसर मैंने दिया कि इट इज़ एसेंशियल दैट द फ्यू थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो ये नेक्स्ट पेज में यहाँ तक है ना, यहाँ तक इसमें से कुछ भी पॉइंट्स लिख लो, ऐसे सब ये सब चीज़ों से क्या हो सकता है, टूरिस्ट का प्लेस इंक्रीज होगा, ठीक है, टूरिस्ट इंक्रीज होंगे। पेज नंबर 55 में इट इज़ एसेंशियल से लेके यहाँ तक कोई भी 5 to 6 पॉइंट्स जो ईजी लग रहे हैं वो ढूंढो और लिख लो, फिर लिखो इन दिस वे टूरिज्म कैन बी इंक्रीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द करियर अपॉर्चुनिटीज इन टूरिज्म, डिस्कस द करियर अपॉर्चुनिटीज इन टूरिज्म, ये पेज नंबर लास्ट क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 56 में दिया हुआ है। देखो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, तो टूरिज्म हम लोग को हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ टूरिज्म चाहिए, तो जहाँ जहाँ हॉस्पिटलिटी है वो वहाँ पे हम लोग कट कर देंगे। तो टूरिज्म इज एन इंडस्ट्री विद पोटेंशियल टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इफ़ मैनेज्ड प्रोफेशनली इट इज़ अ वेरी स्टेबल इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये ग्रीन कलर का बॉक्स हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ पे आएंगे, इट हैज़ ट्रेमेंडस स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन, अ गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द टूरिज्म हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, नहीं लिखेंगे हम लोग। द कंट्री विच इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बिगेंस टू रिसीव रेवेन्यू इवन बिफोर अ टूरिस्ट अराइव्स एट द एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री, ही हैज़ टू पे फॉर हिज वीज़ा, हिज स्पेंस, हिज ट्रैवल स्टे इन होटल्स, फूड पेमेंट्स टू ट्रांसलेटर्स एंड गाइड्स, बाइंग न्यूज़ पेपर, रेफरेंस बुक्स, ऑब्वियस दिस कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। फिर यहाँ पे भी देखो, मार्केट्स इन द विसिनिटी ग्रो अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ द टूरिस्ट सेंटर, हैंस द लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज ऑल्सो बिगेन टू डेवलप, द डिमांड फॉर लोकली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स एंड एथनिक हैंडीक्राफ्ट्स इंक्रीज, इट रिजल्ट्स इन द बेटर इनकम ऑफ द लोकल एरिजन बिजनेस। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं कि प्रोफेशनल, इतने सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है टूरिज्म में, ठीक है, इतने सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है टूरिज्म में, इसमें से आपको जो अच्छा लगा उसमें से कुछ 7-8 पॉइंट्स पढ़ लो और लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का, हेरिटेज मैनेजमेंट, ठीक है, तो हेरिटेज मैनेजमेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। लॉर्वे म्यूजियम इन इट्स कलेक्शन हैज मच एक्सक्लेम्ड पेंटिंग ऑफ लियोनार्डो द विंसी, इसका आंसर है मोनालिसा। डैश एट कोलकाता इज द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, इंडियन म्यूजियम, 10 वॉल्यूम्स ऑफ भारतीय संस्कृति कोश वर एडिटेड एंड पब्लिश बाय महादेव शास्त्री जोशी, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, डैश प्रिपेयर ड्यूरिंग द रायन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, तो चरित्र कोश। नेक्स्ट है सरस्वती महल ग्रंथालय इज द फेमस लाइब्रेरी इन थंजूवर, फिर बी ऑप्शन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट, तो चार ऑप्शन है, उसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है। फिर सेकेंड क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये जर्मनी में नहीं है, ये रॉन्ग ऑप्शन होगा। इंडियन म्यूजियम कोलकाता, नेशनल म्यूजियम मुंबई, ये रॉन्ग है, नेशनल म्यूजियम शायद दिल्ली में है, मुंबई रॉन्ग ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट चार्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट चार्ट में है फेमस म्यूजियम्स इन इंडिया, तो कोलकाता में इंडियन म्यूजियम है, हैदराबाद में सलरजंग म्यूजियम है, अहमदाबाद में कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वसंत रंगालय, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज, ये टेक्सटुअल एक्सरसाइज का है तो मैं ये सॉल्व नहीं करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नोट्स, स्थलाकोश, विश्वकोश, समदनिया कोश, सरस्वती महल ग्रंथालय, ये सारे एक्सरसाइज में दिए हुए, तो ये भी सॉल्व नहीं होगा, बस ये वाला सॉल्व करूंगी, भारतीय संस्कृति कोश, इसका आंसर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो पेज नंबर 65 में देखो, भारतीय संस्कृति कोश, ये पूरा पैराग्राफ उसका आंसर है, ठीक है, भारतीय संस्कृति कोश, ये पूरे पैराग्राफ में उसका आंसर है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजन, ठीक है, तो इसमें आज से ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं करवाऊंगी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन एंड अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक्स, ठीक है, तो इसके ऊपर लिखना है हम लोग को छत्रपति शिवाजी महाराज वसंत रंगालय, इसके ऊपर पैराग्राफ दिया, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने। वेयर वॉज द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया एस्टैब्लिश, तो वेन, कब एस्टैब्लिश हुआ था, इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ 1905 CE, ठीक है, ये उसका आंसर है। इन विच स्टाइल द बिल्डिंग ऑफ म्यूजियम इज बिल्ड, इंडो गोथिक स्टाइल, वॉट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, सॉरी, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वसंत रंगालय, तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे कि देखो इसके फीचर्स में एक आ गया, द फाउंडेशन वॉज लेड इन द म्यूजियम बिल्डिंग, इसका नाम कैसे रखा गया, यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज वसंत रंगालय वो एक इंडियन गोथिक स्टाइल में बिल्ड किया गया है, इसको एक इंडो गोथिक स्टाइल में बिल्ड किया है,
इट हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ ग्रेड वन हेरिटेज बिल्डिंग मुंबई. द म्यूजियम हाउसेज अबाउट 50,000 एंटीक्विटीज डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, आर्ट, आर्कियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री. तो यहाँ से लेके कम से कम यहाँ तक तो लिखना ज़रूरी है, ठीक है, इतना है. फिर ये भी लिख सकते हो कि किसने स्टार्ट किया है. फीचर्स बताने कि शिवाजी छत्रपति, शिवाजी महाराज, वसुंधरा के फीचर्स क्या क्या है, ठीक है. गिव एलोबरेट आंसर्स, ये दोनों आंसर्स है टेक्स्ट बुक में. व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टडी रिटन सोर्स, कौन कौन से टाइप की स्टडीज जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी है रिटन सोर्स को पढ़ने के लिए. पेज नंबर 59 में देखो, नेसेसरी ट्रेनिंग, रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के नीचे नेसेसरी ट्रेनिंग, ये फर्स्ट से लेके एट तक, नेक्स्ट पेज नंबर एट तक का इसका आंसर है, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट से लेके एट पॉइंट तक का इसका आंसर है. हिस्ट्री कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं. पॉलिटिकल साइंस में देखो, चैप्टर वन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट वाला है महाराष्ट्र का 50%. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर वुमेन टू सिक्योर फ्रीडम डेवलपमेंट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. फोर्थ डैश एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स. ये तीनों भी क्या है, ये तीनों भी आंसर्स दिए हुए टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में, तो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी. फोर्थ वाला डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो इसका आंसर ट्रू है, ठीक है, इसका आंसर ट्रू है. इसका आंसर पेज नंबर 69 में मिल जाएगा. देखो, डिसेंट्रलाइजेशन पहले ट्रू लिखना है, फिर इसका रीज़न देना है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर एंड ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल, ठीक है. यहाँ तक लिखो, या तो इसके अगला पॉइंट तक लिखो तो भी चलेगा, ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दो मार्क्स के लिए आता है. एक मार्क्स का ट्रू है या फॉल्स है उस पर एक मार्क्स होता है, और एक मार्क्स का रीज़न होता है, तो एक मार्क्स के रीज़न में दो पॉइंट लिखना होता है बस. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये तीनों भी एक्सरसाइज में है, बस बचा है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. तो ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 71 में दिया हुआ, देखो, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. तो दिस से लेकर यहाँ पे जो एंड हो रहा है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. दिस एक्ट प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एंड एनी एक्ट ऑफ एट्रोसिटी कमिटेड अगेंस्ट देम इज लायबल फॉर पनिशमेंट. तो ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम में है फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस. तो इसमें देखो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंट, इफेक्टिव, रिस्पॉन्सिव, ये सारे फीचर्स हैं. टेक्स्ट बुक में बस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है. ये तीन फंक्शंस भी होते हैं फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस में, लेकिन ये दो ही है अवेलेबल, ठीक है. आंसर इन ब्रीफ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में है. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इंक्लूड्स द बेसिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका आंसर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73 पे दिया हुआ, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक, इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन. ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये पूरा फ्रेमवर्क बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क क्या है, ये पूरा पैराग्राफ बताता है, ठीक है. तो अगर आंसर इन ब्रीफ 3 मार्क्स के लिए तो 6 पॉइंट्स लिखो, 2 मार्क्स के लिए तो 4 to 5 पॉइंट्स लिखो. तो मार्क्स पे डिपेंड करता है कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं. फिर नेक्स्ट चैप्टर 2, द इलेक्ट्रॉल प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन. द इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. डैश वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सुकुमार सेन. कॉन्स्टिट्यूएंसीज वे क्रिएटेड बाय डैश कमिटी, डिलिमिटेशन कमिटी. डैश वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, श्याम शरण नेगी. आंसर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये दोनों भी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में है. फिर द फोर्थ वाले पे आते हैं, द फैसिलिटी ऑफ VVPAT एंड EVM मशीन्स एंश्योर्स टू स्टॉप माल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन. इसका आंसर ट्रू है. इसका रीज़न पेज नंबर 80 में दिया हुआ, देखो, पेज नंबर 80, डू यू नो, ये जो पैराग्राफ है इसमें से, इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश एन एक्सपर्ट कमिटी इन ऑन 8 October 2010. इट वॉज डिसाइडेड टू एड अ न्यू फैसिलिटी, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल इन EVM मशीन्स. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्टेड दिस. तो यहाँ तक हम लोग को आंसर नहीं लिखना है, हम लोग को ट्रू लिखना है. फिर नेक्स्ट लिखना है, बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी द वोटर्स कैन वेरीफाई वेदर द वोट कास्ट इज रजिस्टर्ड प्रॉपरली. दिस इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू स्टॉप माल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन. तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका करेक्ट आंसर है. एक्स्ट्रा पॉइंट लिखोगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्किप नहीं करना है.
नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट टेक्सुअल हैं। मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन, ये दोनों पेज नंबर 80 में दिया हुआ है। देखो मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन, ये दोनों उसके आंसर्स होंगे। फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर या चार्ट, ये टेक्स्ट बुक का है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ये जो फ्लो चार्ट है इसका प्रोसेस ऑफ इलेक्शन बता रहा है। तो पेज नंबर 78 में प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के देखो 6 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है 8 बॉक्सेस दिए, यही है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट आंसर इन ब्रीफ, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इन ब्रीफ एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सेकंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ये तीनों एक्सरसाइज में है। स्टेट द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये भी सेम देखो कोड ऑफ कंडक्ट की तरह ही है कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे जो मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। इसका आंसर पेज नंबर 78 में देखो चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसमें से अगर एक दो पॉइंट्स लिखने हैं तो लिखो, वरना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देखो मिसयूज ऑफ मनी फर्स्ट पॉइंट, मनी मेनी पॉलिटिकल पार्टीज अनदर मेजर, ये जो पिंक कलर के पॉइंट्स हैं ना ये सारे पॉइंट्स हैं। तीन पॉइंट्स यहाँ पे दिए और देखो पीछे भी एक और पॉइंट दिया है। टू रिटेन अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट्स टू क्रिएट द ओन रिलेटिव्स, दिस प्रैक्टिस क्रिएट्स अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये पूरे आंसर्स हो जाएंगे किसके, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, क्वेश्चन नंबर 6, when people come together and participate in electoral process to acquire political power, such organization are called as political parties. National Conference is a party in Jammu Kashmir. Justice Party, a non-Brahmins movement, was transformed into Dravid Munnetra Kazhagam. ठीक है, to achieve power is the main objective of Dash. इसका आंसर है political parties. फिर next है true or false. ये सभी चीज़ें हैं टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में। फिर इसमें भी देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, रीजनलिज्म नेशनल पार्टीज, ये दोनों का एक्सरसाइज में है, बचा है रीजनल पार्टीज, ठीक है। इसका आंसर पेज नंबर 86 में दिया हुआ है। देखो रीजनल पार्टीज यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज के यहाँ तक, ठीक है। तो कोई 6-7 पॉइंट लिख लो ढूंढ के खुद से, या तो कौन कौन से पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि रीजनल पार्टीज आर दोज ग्रुप्स इन द रीजन हु हैव अ प्राउड फीलिंग अबाउट द डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ द रीजन एंड टू कम्पीट टू द पॉलिटिकल पावर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टीज इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन, थो दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एट द नेशनल लेवल, दे इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स एज वेल। इतना लिखना कंपलसरी है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से 2-3 पॉइंट्स खुद से ढूंढ के जो ईजी लग रहा हो, क्योंकि अगर मैं अपने आप से बताऊंगी कि कौन से पॉइंट लिखना है तो आप लोग को शायद टफ पड़ सकता है। तो खुद से पॉइंट ढूंढो जो ईजी लग रहा है, उसमें से 2-3 पॉइंट ढूंढो, वो ऐड करो और आंसर लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द एक्टिविटी, ये पॉलिटिकल पार्टीज और वो कौन से पॉलिटिकल पार्टीज कौन से साल में एस्टैब्लिश हुए वो है। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1980 में भारतीय जनता पार्टी, 1984 में बहुजन समाज पार्टी, 1998 में तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट चार्ट मेजर रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र। तो इसका आंसर पेज नंबर 89 में देखो दिया हुआ है, रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र। तो यह बहुत सारे पार्टीज दिए हुए हैं, कोई भी चार पार्टीज लिखने हैं। देखो यहाँ पे पार्टीज दिए हुए हैं, यहाँ पे भी पार्टीज दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया। तो इसका भी आंसर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो देखो पेज नंबर 84 से स्टार्ट होता है नेशनल पार्टीज, उसमें है इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर है भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। ये जो पूरे जो दिए हुए ना नेशनल पार्टीज में, उनमें से कोई चार नेशनल पार्टीज लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस इन द नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया। ये दोनों आंसर इन ब्रीफ टेक्स्ट बुक में है एक्सरसाइज में। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एन आइडियोलॉजी एंड एन एजेंडा, आइडियोलॉजी और एजेंडा के बीच में डिफरेंस बताना है। इसका आंसर पेज नंबर 82 में दिया है। देखो पहले हम लोग को बताने कि आइडियोलॉजी क्या होती है और एजेंडा क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग आइडियोलॉजी बताते हैं। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज, पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इश्यूज, दिस टुगेदर मेक पार्टी आइडियोलॉजी। तो ये क्या हो जाता है आइडियोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं पार्टी एजेंडा क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर द पार्टी एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टी आइडियोलॉजी। तो पार्टी के आइडियोलॉजी के बेसिस पे पार्टी एजेंडा क्रिएट होता है, ठीक है। पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, जो पार्टी का जो आइडिया है, उसके ऊपर पार्टी एजेंडा क्रिएट किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा।
फिर सेकंड थर्ड पार्टी एजेंडा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी एज एक्सेप्टेबल सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी, ये थर्ड पॉइंट हम लोग का। दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे इम्प्लीमेंट, अब पार्टी एजेंडा कब इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंट होता है आफ्टर दे गॉट इनटू पॉलिटिकल पावर, जब पॉलिटिकल पावर में आ जाते हैं तब पार्टी एजेंडा इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को डिफरेंस बताना था कि पार्टी आइडियोलॉजी क्या होता है, पार्टी एजेंडा क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट फोर्थ चैप्टर सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट, ऑप्शन बी टू गेट द राइट प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सेकेंड क्वेश्चन टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड बिकम सेल्फ सफिशियंट with regard to food grains dash was initiated green revolution dash is known as the waterman of india dr rajendra singh rana state whether the following statements are true or false first second third ye teeno textbook ke exercise mein hai fourth question ka answer main batati hu the green revolution divided the farmers into rich farmers and poor farmers to iska answer dekho page number 93 mein diya hua hai ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ से देखो ग्रीन रेवोल्यूशन एम्ड एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अचीविंग सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन्स, इट डिड नॉट बेनिफिटेड द पुअर फार्मर, बट यहाँ पे देखो एक बट ऐड करो, बट इट डिड नॉट बेनिफिटेड द पुअर फार्मर्स, डिससैटिस्फैक्शन बिगैन टू क्रिएट अमॉन्ग द पुअर फार्मर्स, ठीक है। दिस सेकेंड पॉइंट ये लिख लो, देर वॉज अ डिससैटिस्फैक्शन अमॉन्ग द पुअर फार्मर्स, therefore the farmers were now divided into rich farmers and poor farmers, so first point second point और फिर वही question को third point जैसा add करना है, ठीक है। तो हम लोग का state whether true or false हो गया, यहाँ पर answer पहले true लिखना फिर ये reason डालना। question number 8 explain the following concept, concept का first question है tribal movement workers movement, ये दोनों भी textbook में exercise में है, third है consumer movement, तो consumer movement है page number 95 में, देखो कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। तो कुछ भी इसमें से लिख लो, ऐसा पहले तो लिख लो कि कंज्यूमर मूवमेंट होता क्या है, तो ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स लिखने ज़रूरी है। कंज्यूमर मूवमेंट एमर्ज इन इंडिया आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1986, दिस मूवमेंट हैज़ अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, तो कम से कम इतना तो ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है कि कंज्यूमर मूवमेंट क्यों आया, कैसे आया, ठीक है। The movement believes that each member of the society is a consumer. Due to the changing nature of social and economic system, consumer face different problems. यहाँ तक लिखो, फिर लिखो कि consumers को कौन कौन से type के problems face करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मेरे को तो लगता है ये पूरा लिख लो, easy सा answer है, इसमें से कोई point skip मत करो, अगर ज़्यादा hard लग रहा है एक दो point skip कर दो, बाकी पूरा answer लिख लो, ठीक है। Next है complete the following diagram. मेजर मूवमेंट्स इन इंडिया, इंडिया के मेजर मूवमेंट्स लिखने, तो देखो फार्मर्स मूवमेंट हो गया, ट्राइबल मूवमेंट हो गया, एनवायरमेंट मूवमेंट, वुमेंस मूवमेंट, कंज्यूमर मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट्स है, कोई चार टाइप के मूवमेंट्स लिखने थे। नेक्स्ट है आंसर इन ब्रीफ एक्सप्लेन द एक्टिविटीज़, ये तीनों आंसर्स एक्सरसाइज में है। फोर्थ आंसर है व्हाट इज़ अ मूवमेंट, व्हाट इज़ अ मूवमेंट, इसका आंसर पेज नंबर 92 में दिया है, देखो व्हाट इज़ अ मूवमेंट, तो ये पूरे लिखने हैं। अ मूवमेंट इज़ अ कलेक्टिव एक्शन, पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट, तो देखो पहले मूवमेंट ये लिख लो कि मूवमेंट इज़ अ कलेक्टिव एक्शन, पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट, ये लिखने के बाद लिखो अ मूवमेंट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन पीपल कम टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इशू, यहाँ तक लिखो, अगर आपको एग्जाम्पल देना है लिखो, वरना एग्जाम्पल नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। व्हेन अ मूवमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और अ फोकस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप, लीडरशिप कीप्स द मूवमेंट एक्टिव, यहाँ तक लिखो। मूवमेंट्स हैव ऑर्गेनाइजेशन, मूवमेंट्स हैव ऑर्गेनाइजेशन, इतना ही लिखो, ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पूछा है कि एक मूवमेंट होता क्या है, ठीक है। मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछा, हम लोग को पूछा है कि मूवमेंट क्या होता है, तो सिंपली मूवमेंट एक कलेक्टिव एक्शन है, पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट, अ मूवमेंट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन पीपल कम टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इशू, अ मूवमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और अ फोकस प्रॉब्लम, मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप, लीडरशिप गिव्स द मूवमेंट एक्टिव, ठीक है, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के पूरा जो भी क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है कंप्लीट हो गया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करो।